नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के चौथा वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, हम लोग साइंस क्लास का आज चौथा वीडियो है जो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें आपको कथन चूज करना है। तो इसमें से निम्नलिखित में आपका ये सही नहीं है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपको दिया है व्याख्या, उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कणों में से एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने की जोखिम में डाल सकता है, कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें है माइक्रोवेव फोटॉन, इसमें आप व्याख्या दे लीजिएगा। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन इसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, साइक्लोट्रॉन इसमें देखिएगा ऑप्शन आपका बी है, प्रोटॉन को। अगला क्वेश्चन है, कि पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक या नहीं, उसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो आपके चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका सी सही है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सबसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसमें बताना किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो एक्स रे में। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सिलिकन, प्रकाशीय वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल, फोटो वोल्टी सेल संबंधित है, सौर सेल। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय धन, थोरियम, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। निम्नलिखित कौन सा तत्व तो परमाणु धन में इस श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान देना यहाँ गलती हो सकती है, कौन श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडियम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि कैडियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है नहीं है, अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, कौन सा ईंधन नहीं है? यहां हीलियम, हीलियम एक अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कैल्शियम। यहां पर आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा शानदार दिया गया है व्याख्या, इसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर आप दीजिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर लागू होता है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, इस पर आधारित है, ड्यूटेरियम का नाभिक संलयन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
अनंतेतर सलनैन पर हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। एडवर्ड टेलर द्वारा यहाँ आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन बम का जनक भी कहा जाता है उन्हें। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपरोक्त सभी अल्फा बीटा गामा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम 238। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति नियंत्रण कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। बी भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल बनाया जाता है रामबे में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित किसके मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ बी और डी दोनों का होगा। बी एंड डी दोनों है। आज का सवाल है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, बताइए पोखरण किस राज्य में है? ये आपके लिए है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का इतना सवाल दोस्तों, जो बहुत वीआईपी क्वेश्चन थे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन किए गए थे, उसको आज यहाँ पर वीडियो में बनाया गया। अगला क्वेश्चन जो भी होगा भी इम्पोर्टेंट, अगले वीडियो में किया जाएगा।